और जो पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया है। पाकिस्तान ऐसी ट्रेनें कब बनाएगा जिसका मैंने आपसे पूछा, जिस तरह से इंडिया ने ट्रेन्स बनाई हैं? आज से 100 साल बाद। 100 साल बाद जी, जब पूरा पाकिस्तान फना फैला नहीं, नहीं, जब क्यामत आएगी ना, क्यामत से 2 दिन पहले ये सब कुछ बन जाएगा। आई फील वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम वेरी ग्लैड टू मीट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ट्रेवल इन द अंडर वाटर मेट्रो। भारत के अंदर जो चीजें चल रही है अमेजिंग, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है। ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा, भिखारी हमारी हुकूमतों को दोबारा बनना पड़ेगा, और अब तो अवाम भी गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे नाम पे पैसा लेते हैं एंड देन खाते हैं। आप जो नई गवर्नमेंट है उसको कैसे देखते हैं, क्या ये भिखारी रहेंगे या क्या आपको लगता है कि हम टफ रिफॉर्म्स करके एक नया रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं मुल्क के लिए? बात करते हुए देखिए, आप प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, खुद उन्होंने जो वहां छात्र थे उन्हें पास बुलाया और बिठाया, और उनसे जिस तरह से एक अभिभावक बात करता है उस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हुए, खुलकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिसे अंडर वाटर ट्रेन कहा जाता है, क्या समझते हैं कितना बड़ा इनिशिएटिव इंडिया के लिए? देखें जी, उनके लिए तो बड़ा नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा है। उनके लिए इसलिए बड़ा नहीं है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है, और अगर आप दो लफ्ज ही पूछें तो एज ए नेशन हम उनसे बहुत पीछे हैं। हम अगर ये भी ना सीखें तो हम फिर क्या सीखेंगे? वो साइंस की एजुकेशन में इंडिया इतनी दुनिया में अभी छा गया है, ये तो जब इंडिया आजाद हुआ था तब से ये आईटीज बनने शुरू हो गए थे। जो इंडिया की, तो इंडिया दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, कभी मेट्रो लॉन्च कर रहा है अंडर वाटर, कभी ट्रेन लॉन्च कर रहा है, अब इन्होंने एक मेट्रो लॉन्च किया जो अंडर वाटर चल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैम देखें, सबसे पहले तो ये हमारे लिए शौक बात है बहुत ज़्यादा कि इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए थे, वो इतनी तरक्की कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं, अपनी ट्रेन बना रहे हैं, वो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी पाकिस्तान में बाहर से आई हैं, कोई पाकिस्तान की अपनी गाड़ी नहीं है, और इंडिया ट्रेनें बना रहा है, मतलब इस कदर तरक्की कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है ना हमारी टेक्नोलॉजी जो है उसको इंक्रीज़ करे, हमें इस ऐसी जो हमारी कंपनीज़ हैं उनको इस कदर जो है वो इम्प्रूवमेंट दें कि वो भी पाकिस्तान में जो है ना ये चीज़ें बना सकें। जो ट्रेनें पाकिस्तान में चल रही हैं ये वैसे भी पाकिस्तान की है ही नहीं है, ये भी बाहर से ही आई हैं, आपको भी पता है बाहर से आई हैं, पाकिस्तान की है नहीं है। दूसरा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो पानी के अंदर चलेगी तो फिर तो बिल्कुल किसी किस्म का मुकाबला नहीं है। जिसे अंडर वाटर ट्रेन कहा जाता है, क्या समझते हैं कितना बड़ा इनिशिएटिव इंडिया के लिए? देखें जी, उनके लिए तो बड़ा नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा है। उनके लिए इसलिए बड़ा नहीं है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है, और अगर आप दो लफ्ज ही पूछें तो एज ए नेशन हम उनसे बहुत पीछे हैं। आपका सवाल था इंडिया की अंडरग्राउंड ट्रेन, तो इसको तो कंपेयर ही ना करें ना, वो एज ए नेशन हम उनसे बहुत पीछे हैं, वो लोग बहुत आगे हैं। मैं चंद साल सऊदीया में भी रहा हूँ, तो मैंने हमारे उनका जो इखलाक का ग्राफ है ना वो देखा है। हमारे जो पाकिस्तानी हमारे लेफ्ट राइट पे होते हैं ना, वो जुगतबाजी के ऐदा मुँह वेख, यदि भैन इस तरह, यदि माँ इस तरह, तो इंडियन कहते हैं कि यार ये आप हंसी मजाक कर रहे हो कि ये जो इस बंदे ने इसकी माँ बहन को बात की है, एक हुज्जत की है, तो ये आपका मजाक है? तो हम शर्मिंदा हो जाते थे, तो वो कहते थे कि नहीं भाई, आपका ये लेवल है कि आप लोग अपनी बातों में जो मजाक भी करते हैं, जुगतबाजी किसी के मुँह पर करते हैं, किसी की माँ बहन को करते हैं, आप खिलखिला के हंसते हैं। तो आया कि मैं, उसने मुझसे सवाल किया कि ये जो एक आपके ड्रामाज में जुगत होती है, ये चीज़ें हैं, तो इखलाक का ये मेयार था कि वो हैरान हुआ कि यार ये आपका मजाक है, हंसी मजाक है? तो ये लेवल है। और वो डॉक्टर साहब, वैसे आपने बात की, हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम कौन हैं, आपने कहा हम कंफ्यूज हैं। डॉक्टर साहब, हम एक सोसाइटी नहीं बना सके डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास अच्छे पढ़े सियासतदान हैं, हमारे पास अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छे हिस्टोरियन भी हैं, एक एक जिंदगी, एक तब मुख्तलिफ तबके बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं, बाहर से लोग पढ़ के आए हुए हैं, आप जैसे लोग हैं, हम क्यों नहीं? क्या हम सेक्टेरियन डिवाइड की वजह से, क्या क्लास डिवाइड की वजह से, एब्सेंस ऑफ कोहेरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी ना होने की वजह से, या कि हम अपनी रूट्स को ऑन नहीं करते इस वजह से? नहीं जी, इनमें से कोई वजह भी नहीं। हमारा कल्चर बहुत, मैं क्या कहूँ, दकेनुसी कल्चर है, बड़ा अजीब कल्चर है। हमें अब कल्चर की तरफ भी देखना है। आपने कहा हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, नहीं जी मैं सब, मैं नहीं मानता है।
हमारे जो अच्छे लोग हैं, मैं बार बार कहता हूँ, हमारे अच्छे लोगों को इस मुल्क से भागना पड़ता है, वो यहाँ रहते ही नहीं। मैं सब बच्चों को कहता हूँ जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं कहता हूँ भाग जाओ भाई। बात की जाए इंडिया की, तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि इंडिया ने एक मेट्रो लॉन्च किया जो कि अंडर वाटर चलती है, इस पर क्या कहेंगे? वो कर सकते हैं क्योंकि वो इस टाइम एक प्रॉपर मार्केट बन चुका है, उसके काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं बाहर दुबई के साथ और भी डिफरेंट कंट्रीज हैं उसके साथ, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो अच्छे से डील कर रहा है सबको, और हमसे तो कर्जा नहीं दिया जा रहा वापस। हमसे कर्जा दिया नहीं जा रहा, हम आगे कर्जा लेने की उम्मीद रख रहे हैं कि किससे कर्जा मांगना है, इंडिया से मांगना है, IMF से मांगना है, हम इन्हीं सोचों में से बाहर नहीं निकल रहे, और जो इंडिया वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। यही तो वजह ना, जब हमारी सोच ही वैसी है, जब हमने अपना माइंड ही डेवलप नहीं करना तो मुल्क कैसे डेवलप करेंगे? हमारी तो सोच है पैसा आए, पैसा खा जाएँ, छुपा जाएँ, वही जब जाहिर सी बात है एक निज़ाम है हमारे, एक हमारा मुल्क है, वो जाहिर सी बात है पैसे से चलना है। जब हमारे जो हुक्मरान है, जो भी जिनके भी अंडर है सारा, वो जो पैसा खा जाएंगे तो क्या आएगा? अभी आपने कहा जो इंडिया है उसके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं दुबई से और भी बहुत सी कंट्री से, पाकिस्तान के क्यों नहीं हो रहे? पाकिस्तान में क्यों नहीं कोई कंट्री इन्वेस्ट कर रही? हाँ वो पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनको आम चोर कहती है, तो उस पर फिर क्या देगा कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट? ठीक हो गया। बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ लॉन्च करता है। उन्होंने कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया था जो औरतें चला सकती थी, फिर उनकी मर्सिडीज़ एक गाड़ी है वो लॉन्च की, अभी उन्होंने अंडर वाटर जो मेट्रो है वो लॉन्च कर दी, इस पर क्या कहें? जाहिर सी बात है कि एक मुल्क है जो अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए मेहनत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें बेहतरी तो आएगी ना। अब जब यहाँ पे उन्होंने कुछ करना ही नहीं है, घर बैठे रहना है, कोई कुछ सोचते नहीं है इसके बारे में, तो कैसे डेवलप होगा? मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इन्हें क्या कहूँगा, बस यही सुधर जाओ और तो क्या। जो इंडिया की, तो इंडिया दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई कि इंडिया ने मेट्रो लॉन्च की जो अंडर वाटर चलती है, इस पर क्या कहेंगे? इंडिया जो है वो हर फील्ड में हमसे आगे जा रहा है, ठीक है। वो उनके जो सियासतदान है वो मुल्क के बारे में सोचते हैं, हमारे जो सियासतदान है वो ना कोई मुल्क के बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के बारे में सोचते हैं। बाकी उनके सारे जितने भी वो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जितने भी हैं बस आवाम को जो है वो जलील हो रही है, और कोई जो है यहाँ पे आवाम के लिए। इंडिया को देखा जाए, इंडिया दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, पाकिस्तान को सिर्फ यही पड़ा है कि IMF से कैसे कर्जा मांगना है। बिल्कुल, इस तरह है पाकिस्तान, इसी तरह जब से हम पैदा हुए यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारे बिल के ऊपर कभी टैक्स लग जाता है, कभी जनाब हमारा जो है वो लॉलीपॉप के ऊपर टैक्स लग जाता है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स पर टैक्स लगते जा रहे हैं, हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स पर टैक्स लगते जा रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं कोई ऐसी चीज़ बना रहा जो हम दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करें, हमारी जो करेंसी है वो भी थोड़ी सी अपर लेवल पर जाए, अभी बहुत डीवैल्यू हो चुकी है ना हमारी इम्पोर्ट। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले।